brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. किसी के साथ टोटा करके चलेगी नहीं है, जेल जाओगे बेटा इसके साथ। फोन पर मंत्री राकेश सिंह एक गुंडे की क्लास लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा आप गुंडागर्दी चलेगी नहीं, करोगे तो सीधा जेल जाओगे। दरअसल राकेश सिंह जनता दरबार में एक महिला की शिकायत सुनकर भड़क गए। महिला ने शिकायत की कि उनके घर पर गुंडे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद गुस्से में राकेश सिंह ने तत्काल गुंडे को ही फोन मिला दिया और साफ साफ कह दिया कि गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी, महिला को परेशान करना बंद कर दो। उन्होंने धमकाया कि यदि सीधे तरह से नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। किसी के साथ टोटा करके चलेगी नहीं है, जेल जाओगे बेटा इसके साथ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जनता जो जनार्दन स्वरूप में है, वो अपने कोई कार्य समस्याएं लेकर आ रही है, तो जो भी कार्य हो सकने लायक है, जो होना चाहिए, जिस पर जनता का अधिकार है, वो हो, इसकी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है और वही मैं यहाँ पर बैठकर कर रहा हूँ। जनता जब आशीर्वाद देती है तो जनप्रतिनिधि की भी ये जवाबदेही होती है कि उस आशीर्वाद को वो जनता को उनकी समस्याओं के निराकरण के रूप में वापस लौटाए, और वो मेरी तरफ से प्रयास हो रहा है। देखिए, अगर कोई ये सोचकर कि किसी महिला को वो दबा लेगा, उससे उसका घर या उसकी ज़मीन ले लेगा, तो ये नहीं हो सकता। कानून है, कानून का राज है, और कानून के राज के मुताबिक ही चलना पड़ेगा सभी को। सभी के लिए अधिकार एक बराबर है। बता दें कि मंत्री राकेश सिंह की बातें सुन गुंडे का पसीना छूट गया। मामला शुक्रवार का है, जब राकेश सिंह अपने कार्यालय में क्षेत्रीय जनों से मिल रहे थे। इसी दौरान एक महिला उनके पास पहुंची और बताया कि कुछ लोग उनके घर में कब्जा करना चाहते हैं। इस पर राकेश सिंह ने महिला की मदद करते हुए गुंडे की क्लास लगा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।